दोस्तों बड़ी अपडेट आई है DSSB की तरफ से निकल के। कई दिनों के बाद शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ नया नोटिस आज की डेट में DSSB की तरफ से बिल्कुल अभी अभी जारी किया गया है। तो ये नोटिस देखें, उससे पहले एक जरूरी अपडेट है, वो भी आप देख लीजिए। दोस्तों नवोदय विद्यालय समिति के जो एग्जाम होने हैं अभी नवम्बर में ही 28 तारीख से, उनके एडमिट कार्ड बिल्कुल अभी अभी जारी कर दिए गए हैं। आप नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहां नीचे फ्लैश होता हुआ लिंक आपको दिखाई दे जाएगा, लिंक फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड टू अटेंड द सीबीटी शेड्यूल्ड फ्रॉम 28 नवंबर 2022 टू 30 नवंबर 2022। आप इस लिंक पे क्लिक करके एनवीएस टीचर्स रिक्रूटमेंट 2022 के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर लिंक आपको नहीं मिल रहा है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों DSSB की तरफ से शिक्षक भर्ती से जुड़ा नया नोटिस जो जारी किया गया है आज की डेट में 25/11/2022 को, ये देख लीजिए, बड़ा ही अच्छा नोटिस जारी किया गया है। DSSB आजकल काफी स्पीड में कार्य कर रहा है। दोस्तों 21 नवंबर 2022 को जिनका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उनकी आंसर की जारी कर दी गई है। हाँ जी दोस्तों, PGT म्यूजिक मेल पोस्ट कोड 22/22, PGT कंप्यूटर साइंस मेल पोस्ट कोड 29/22 और PGT कंप्यूटर साइंस फीमेल पोस्ट कोड 30/22 की आंसर की जारी कर दी गई है। कैंडिडेट आज 25/11/2022 से और 29/11/2022 तक जो DSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक दिया गया है उस लिंक पर क्लिक करके और लॉगिन करके आंसर की चेक कर सकते हैं। और कैंडिडेट को लगता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की आंसर की गलत दी गई है तो वहीं पे भी ऑब्जेक्शन फाइल करने का लिंक आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्शन भी आप फाइल कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यही बड़ी अपडेट आई थी निकल के DSSB की तरफ से और NVS की तरफ से, जो आपको एक सिंगल वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।